साथियों नमस्कार, आज आपको फिर लेके चलते हैं जी टेस्ट की तरफ। जैसा कि आपको पहले से ही विदित है, आपको ऑनलाइन के माध्यम से बता दिया गया था, जी टेस्ट GIS टैलेंट एक्सप्लोरिंग एंड स्कॉलरशिप टेस्ट, इसका आयोजन हम यहाँ विद्यालय में कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए, विद्यार्थियों में प्रतिभा स्वतः ही होती है, इट इज इनहेरिटेड इन ईच स्टूडेंट, लेकिन उन विद्यार्थियों को सही तरीके से प्रतिभा को तराशने का जो काम किया जाता है, वो एक सही माहौल विद्यालय में होना चाहिए, सही तरीके से उसको बच्चे को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उसी प्लेटफॉर्म के लिए हम यहाँ आज आपको जी टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। और ये जी टेस्ट का आयोजन है, ये 29 जनवरी को किया जा रहा है। आप सभी बढ़ चढ़ करके अपने बच्चों को जी टेस्ट में शामिल करवाएं। जैसा कि आपको पता है, जी टेस्ट में सही तरीके से कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 फ्रॉम क्लास 5th to 11th वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस टेस्ट। और इस टेस्ट में क्या सिलेबस होगा, वो आपको ऑनलाइन डाल दिया गया है। इस जी टेस्ट में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस विद्यालय की जो साइट है www.gis कठुमर की साइट से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको सभी नेसेसरी डिटेल्स भरनी है, जैसा कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड आपका जो डोमिसाइल है वो भी इसमें भरना होगा। आपको इसमें मोबाइल नंबर वही देना है जो मोबाइल नंबर आपका व्हाट्सएप चलता है, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, कब आपके इसके जो कार्ड हैं, एडमिट कार्ड हैं वो जारी किए जाएंगे, वो भी आपको एक लिंक भेज दी जाएगी। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक इस टेस्ट में भाग लें, अपने बच्चों को इस टेस्ट प्रक्रिया में शामिल करवाएं। जैसा कि इस टेस्ट में आप सोच सकते हो, अलवर ही नहीं राजस्थान लेवल पर ये बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। ये बहुत बड़ी इनाम है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की जो इनाम है, इस प्रकार के जो रिवार्ड हैं, वो जरूरी होते हैं। ये बच्चों को नया कुछ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन, से प्लेटफॉर्म पर जाएं और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, तो वो GIS कठुमर के कैंपस में आकर के अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भी अप्लाई कर सकता है। तो साथियों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, 29 जनवरी विशेष ध्यान रखना, 29 जनवरी को नेक्स्ट मंथ में आपका ये टेस्ट होने वाला है, और उससे 5 या 6 दिन पहले आपको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, कल फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ में, और इसी सूचना के साथ में नमस्कार।